بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو الصلاة والسلام على سيدنا المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل النبيين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صلى الله عليه محمد وعلى محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے مجالس کے اہداف میں سے ایک ہدف یہ بھی ہے جو قرآن نے بیان کیا کہ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَهِيَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ جو اللہ کے شعائر کی عزت کرتا ہے احترام کرتا ہے اسی سے انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اب شاعر سے مراد صرف سعی صفا و مروہ نہیں ہے صرف خانہ خدا نہیں ہے صرف حجر اسود نہیں ہے شاعر ہر اس چیز کو بولا جاتا ہے جو نشانی بن جائے اللہ کی
जिसको देखकर खुदा याद आए, जिसको देखकर दीन याद आए, जिसकी शहादत का जिक्र करके दीन खुदा की अहमियत लोगों के दिलों में पैदा हो। यानी वाकया अगर इमाम हुसैन की शहादत ना होती, शायद हमें एहसास होता कि दीन की वैल्यू क्या है, कि खरज तो इस्लाह उम्मत ने जल्दी उम्मत की इस्लाह के लिए बाहर निकला। अब मैं अक्सर लोगों से एक सवाल करता हूँ कि मौला हुसैन अफजल हैं या दीन? कई चीज़ें लाजिम व मंजूम होती हैं, लेकिन अहमियत बयान करने के लिए कुछ सख्त सवाल किए जाते हैं। जितने भी अम्बिया आइमा आए, किस चीज़ को नाफिज करने के लिए? दीन को नाफिज करने के लिए। जो जिस पर कुर्बान होता है, मौला हुसैन का सर कट रहा है, किसके लिए? दीन खुदा के लिए। सैयदा ज़ैनब अपनी चादर कुर्बान कर रही हैं, किसके लिए? दीन खुदा के लिए। क्योंकि कुरान की आयत है, हर शय फना हो जाएगी, वह यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इक्राम। हम कायनात में आए फना के लिए, फना इलद दुनिया नहीं, फना इलल्लाह, अल्लाह के वजूद के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देना, कमाई को कुर्बान कर देना, बदन को कुर्बान कर देना। तो जब आप कहते हो बिना इला इलाहा इल्लल्लाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, तो दीन को अगर कोई बका अता कर रहा है तो इमाम हुसैन है। लेकिन बचा कौन? दीन बचा। हुसैन ने क्या कुर्बान किया? सब कुर्बान किया। आज अगर इमाम हुसैन का नाम जिंदा रखोगे तो दीन जिंदा रहेगा, क्योंकि हुसैन ने दीन की अहमियत हमें बताई। हर साल फर्श अज़ा बिछाने का मकसद यही है कि अपने बच्चों के दिलों में शायर का अदब पैदा किया जाए। जब तक शायर अल्लाह का अदब नहीं तो दीन खुदा का अदब नहीं। अब थोड़ा सा कंपैरिजन करें मुस्लिम सोसाइटी को वेस्टर्न कल्चर के साथ। जब आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाते हो तो वहां दीन का कोई अदब नहीं, चर्च का अदब नहीं, आवाज थोड़ी बढ़ाइएगा, पादरी का अदब नहीं, हजरत ईसा का अदब नहीं, अल्लाह का अदब नहीं। क्या वेस्टर्न वर्ल्ड हमेशा ऐसा था? क्या शुरू से उनके यहां दीन की कोई अहमियत नहीं थी? क्या उनके जमा शुरू से बेअदब थे, बेहतराम थे? ऐसा नहीं है। जब आप तारीख उठाते हैं मगरिब की या वेस्टर्न वर्ल्ड को स्टडी करते हैं, वो भी बड़े मुतअस्सिब थे अपने दीन के एतबार से। मैं मुख्तलिफ मजालिस में मिसाल दे रहा हूँ ओशो की। एक नया नजरिए वाला शख्स पैदा हुआ था जिसने बड़ी बेहयाई 80s में 90s में कई जवानों को यूनिवर्सिटीज में इस बंदे ने गुमराह किया। जब ये अमरीका गया था और अमरीका में जाकर शहवत के लिए इसका अपना नजरिया था, ये बोलता था जिस तरह पानी बदन की ज़रूरत है, खाना बदन की ज़रूरत है, शहवत भी बदन की ज़रूरत है, तो जब पानी तुम हर जगह से पीते हो, खाना तुम हर जगह से खा लेते हो, तो शहवत पूरा करने के लिए ये कैदोबंद कैसे अलियाज़ु बिल्लाह? तो शहवत भी खाने की तरह है, इंसान को जब जहाँ दिल करे शहवत को पूरा करे। वो किसी रिश्ते का कायल नहीं था, न माँ का, न बहन का, न पुफियों का, न महारिम का, मतलब उसकी निगाह में हर किसी से निकाह जायज था, जिसके साथ भी इंसान निकाह करे कोई मसला नहीं। और इस फिक्र ने उस जमाने में कई लोगों को गुमराह किया। जब ये यूएसए गया, अमेरिका गया, बीबी मरियम की बात आई कि बगैर शोहर के एजाज इलाही से अल्लाह ने उनको बेटा दिया, तो इस बदबख ने जनाब मरियम पर लियाज़ुबिल्लाह जिना की तोहमत लगाई। हालांकि यही तोहमत यहूदियों ने भी बीबी मरियम पर लगाई थी, लेकिन उस जमाने का मसीही मुआशरा अपने मुकद्दसात, अपने शायर का इतना एहतराम करता था, इन्होंने इस बंदे को अमेरिका में बैन कर दिया। लेकिन इतनी चालाकी से एक लोभी जिसको ज़ायनिस बोला जाता है, जिनका मकसद यही है कि मुआशरों से दीन और दीन के अकदार को खत्म किया जाए। अब ये लोभी किसको इस्तेमाल करती है? सबसे ज्यादा ये लोभी इस्तेमाल करती है सियासतदानों को, मीडिया वालों को, ड्रामे वालों को, फिल्म वालों को।
क्योंकि इस वक्त आपके माशरे में अगर कोई सोच दे रहा है, कोई कल्चर बना रहा है, कोई फरहंग बना रहा है, तो वो कौन है? रहबर मौसम कहते हैं ये जमाना हार्ड वॉर का जमाना नहीं है, ये सॉफ्ट वॉर का जमाना है। पहले जंग होती थी सख्त जंग, हथियारों की जंग, अब हथियारों की जंग खत्म हो गई, अब सॉफ्ट वॉर है। नरम तरीके से तुम्हारे अंदर, तुम्हारे सकाफती अलगार के जरिए से, अफकार के जरिए से, गलत लोगों के जरिए से तुम्हारी फिक्र को, तुम्हारे दीन को, तुम्हारे ईमान को चुरा भी लिया जाएगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा। जिस तरह हम अपने अशरे में कह रहे हैं कि जहालत के लश्करी और अकल के लश्करी, इसी तरह फिजिकल इस दुनिया में कुछ लोग शैतान के सिपाही हैं, कुछ लोग अल्लाह के सिपाही हैं। जो तबलीग दीन में मशगूल हैं वो अल्लाह के सिपाही हैं, जो बका दीन के लिए लड़ रहे हैं वो अल्लाह के सिपाही हैं। लेकिन ये नाचने वाले, ये गाने वाले, ये बेहयाई, ये बेहुरियानी फैलाने वाले, ये नमायंदगान शैतान हैं। लेकिन बेहयाई अपनी जगह पे, माशरा कितना बेहया हो जाए लेकिन अगर माशरे में मुस्तफा का एहतराम है, अगर माशरे में कुरान का एहतराम है, अगर माशरे में मौला हुसैन का एहतराम है, अगर माशरे में मजलिस का एहतराम है, जब एहतराम होगा तो मजलिस में आएगा, जब आएगा तो इसके अंदर अकदार दीन क्या होंगे, पैदा होंगे। का पूरा साल शैतान मेहनत करता है, दो महीने में हुसैन की मजलिसों इसकी मेहनत पे पानी फेर दे। ये दो महीने जो मजालिस हैं, आपके जवानों के सॉफ्टवेयर जमाने हुसैन अपडेट करते हैं, जो वायरसेस जवान नस्लों के सहनों में डाले जाते हैं, قال قال رسول الله قال جعفر بن الصادق قال علي بن ابي طالب ये फरामीन अहले बैत सुन सुन के इनके जहनों की सफाई की जाती है। अब उन्होंने क्या किया कि एक वाकया करवाया जाता है, फिर एक शदीद रिएक्शन आता है सोसाइटी से किसने गलत किया है, लेकिन बीज तो बो दिया ना, जड़ तो डाल दी, उसने बात कर दी, बात लोगों के जहनों तक आई। अब ये जहन अगर इसका हादी, इसकी अकल सही नहीं है, तो इस जहन को हर बंदा जब गलत पानी देगा, इसकी फसल को क्या कर देगा, खराब कर देगा। फिर इन्होंने हॉलीवुड में फॉर द फर्स्ट टाइम हजरत ईसा जीसस के खिलाफ फिल्म बनाई। इतने लोग सिनेमा में गए, कलीसा के पादरियों ने जुलूस निकाले आपने क्या किया है, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। मैं हर जवान को कहता हूं, आज अगर शैतान का कोई नबी है तो वो सिनेमा है। अल्लाह के भी नबी हैं, शैतान के भी नबी हैं, अल्लाह के भी रसूल हैं, शैतान के भी अपने रसूल हैं। इस वक्त शैतान का सबसे बड़ा रसूल अगर नबी, उसकी खबर देने वाला अगर कोई बंदा है, ये मीडिया है, मतलब उसे यूज किया जाता है। मीडिया को बहुत अच्छे तरीके से भी यूज कर सकते हो, लेकिन 99% मीडिया का यूज है ड्रामों की सूरत में, सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, फिल्म इंडस्ट्री की सूरत में, उसको शैतान के नुमाइंदगा है। शहवत अपने उरूज पर, गजब अपने उरूज पर, गुस्सा अपने उरूज पर, ये सारी फिल्मों में होता है। हजरत ईसा के खिलाफ फिल्म बनाई, जिस फिल्म में हजरत ईसा से अलियाज़ बिल्लाह एक बदकारा औरत थी और दिखाया हजरत ईसा, नकल कुफर कुफर ना हो, उसके साथ बदफेली में मुब्तला है। क्रिश्चियन सोसाइटी में ये फिल्म चल रही है। आज मैं बोलूंगा हजरत रसूल के खिलाफ अगर कोई मूवी बनाई जाए और मुस्लिम सोसाइटी में चलाई जाए, इसका कॉन्सेप्ट भी नहीं है हमारे जहनों में, तसव्वुर भी नहीं है। आप क्या समझते हो, अगर आपके जहन में तसव्वुर नहीं है तो क्या वो तसव्वुर बना नहीं सकता? वो कहता तसव्वुर बनाने में क्या है, कई ऐसे काम है आप करते नहीं हो पर आपके जहन में जरूर आते हैं, कई ऐसे गुनाह हैं आप करते नहीं हो पर आपके जहन में जरूर आते हैं, जरूरत नहीं होती उसको जाहिर करने की। उसका काम है लोगों के जहनों में पड़े हुए वसवसों को सिनेमा की चादर पर, सिनेमा के पर्दे पे लाए। जो आप सोचते हो ना गंदा, वो गंदा वो दिखाता है। जो खुराफात आपके जहन में, वो खुराफात पर्दे पे लाता है। थोड़ा सा रिएक्शन आया, फिर दूसरी फिल्म बनाई, फिर हजरत सुलेमान के खिलाफ, फिर हजरत दाऊद के खिलाफ, इतनी गलाजत अंबियाउल्लाह के खिलाफ। तौरात में तो पहले से गलाजत भरी हुई है ना हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान के खिलाफ, कि दाऊद ने अल्लाह के साथ कुश्ती की, सुलेमान अलियाज़ बिल्ला किसी लड़की पर अलियाज़ बिल्ला आशिक हो गए, एक सिपाही था और उस सिपाही को मरवा दिया। मतलब पूरी नस्ल अंबिया को खराब करने की कोशिश करी थी। हर मुआशरे में उलमा का एहतराम होता है, ये आपको हिंट्स दे रहा हूं ताकि आप समझें।
जब माशरे में उलमा की बेइज्जती, बेवकारी, बेहतरामी करवाई जाती है, या बाज़ औक़ात बड़े सुलझे हुए लोग ये काम करते हैं, जिससे शिया कौम को पाकिस्तान में बड़ा नुकसान हुआ, इस टॉपिक में मैं 8-9 मुहर्रम को बात करूंगा। जब इज्जत माशरे में आलिम की खत्म हो जाती है, दीन की वैल्यू भी खत्म हो जाती है। पादरियों के खिलाफ फिल्में बनाई गई, कलीसाओं के खिलाफ फिल्में बनाई गई। आज आप वेस्टर्न कल्चर में जाते हैं, बाइबल का कोई एहतराम नहीं, कलीसा का कोई एहतराम नहीं, पादरियों का कोई एहतराम नहीं, क्योंकि उन्होंने दिखा दिखा कर लोगों के अंदर से एक कभी फेल को नॉर्मलाइज कर दिया कि फरमाया आखिरी जमाने में कभी को कभी नहीं समझा जाएगा। आपके सामने कोई मसलन खुदा ना खास्ता गाली दे, आप पहली बार बहुत बुरा मानेंगे, दोबारा गाली देगा, तीसरी बार गाली देगा, 4, 5, 6, 7, 8 बार देगा, आपके लिए वो मामला नॉर्मल हो जाएगा। पहली बार आपका बच्चा आपके सामने सिगरेट पी, आपको बुरा लगेगा, लेकिन 10 बार अगर ये काम करे नॉर्मल हो जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम अगर कोई खातून टीवी पर आए और दुपट्टा न पहने या कुछ लिबास गंदा पहने, आपको बुरा लगेगा। भाई पाकिस्तान है, इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मूवीज में ऐसा गाना आ गया, बुरा लगेगा। एक बार दिखाएंगे, दो बार दिखाएंगे, तीन बार दिखाएंगे, चार बार दिखाएंगे, अब नॉर्मलाइज हो जाएगा। पहले एक आदमी कराची में मरता था, वो एक आदमी मर गया, फिर दो, फिर तीन, फिर सात, फिर एक नौबत कराची में ये आ गई कि 9 लोग डेली मर रहे थे, और कराची वाला लाहौर जाता था, लाहौर वाले कहते थे आपके शहर में डेली 9 लोग मरते हैं। हमने ये कौन सी बड़ी बात है, तो हमारे लिए तो रूटीन बन गई है। इतना मुआशरे में बुराई को अंजाम दो कि बुराई बुराई न लगे, कभी कभी न लगे, कभी को नॉर्मलाइज बनाओ। तभी सख्ती से मना किया गया, अगर तुमने किसी का आयब देखा भी है नकल न करो। नकल करने से बुराई आम होती है, किसी को जिना करते हुए, किसी को शराब पीते हुए, किसी को बदकारी करते हुए देखा है, नकल न करो, क्योंकि मुआशरा तबाह हो बर्बाद हो जाता है। खुदा तेरे गुनाहों को छुपाता है, तू बंदों के गुनाहों को छुपा, वो सत्तारुल अयूब है, तू सत्तारुल अयूब है। अब उन्हीं टेक्निक्स में से एक टेक्निक ये है कि मुसलमानों के शाइर की बेहतरामी की जाए। उनको भी पता है कि मुसलमान जुलूस निकालेंगे, चलो 4 जुलूस 5 जुलूस, हुक्मरानों में तो वैसे ही गैरत का टीका है ही नहीं, वो तो कुछ करेंगे नहीं, 4 तबलीगी जमातें, 4 दीनदार लोग जुलूस निकाल लेंगे, फिर अपने ऑफिस में मशगूल हो जाएंगे। पहले कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था रसूल खुदा का कोई कार्टून बनाए, बेहतरामी करे रसूल गिरामी की। एक बार बनाया, दो बार बनाया, तीन बार बनाया, चार बार बनाया, अब आपके लिए क्या होता जाएगा, नॉर्मलाइज होता जाएगा। बच्चों के जहनों में, जवानों के जहन में आएगा, अच्छा रसूल का कार्टून बना, मुकद्दस परवरी खत्म होती जाएगी। एक बार इस किताब को जलाएंगे, दो बार इस किताब को जलाएंगे, तीन बार इस किताब को जलाएंगे, जब ये काम बार बार रिपीट होगा तो क्या होगा, तकद्दुस आपकी नस्लों के जहनों में किताब का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये किताब किताब है, किताब किताब की तरह जल गई तो क्या हो गया। और इसी ज़ायनिस लोबी ने मुसलमानों के अंदर एक फिरका बनाया जो मुकद्दसात की तोहिन करता था। एक ही जड़ है, एक ही रग है। जिस तरह क्रिश्चियंस में प्रोटेस्टेंट को बनाया गया, कैथोलिक थे प्रोटेस्टेंट हो गए सारे, अक्सरियत प्रोटेस्टेंट की है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लॉ, लॉ ऑफ द गॉड, अल्लाह के कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करो। ये फेमिनिस्ट औरतें या फेमिनिज्म के मानने वाले जब रोडों पर निकलते हैं, दरअसल ये प्रोटेस्ट होता है अल्लाह के कानून के खिलाफ। हिजाब क्यों है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मर्द के दो हिस्से औरत का एक हिस्सा क्यों है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। औरत की दो गवाहियां मर्द की एक गवाही क्यों है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा कपड़ा बदन पे डालो, मैं क्यों डालूं, प्रोटेस्ट कर रहा हूं। तो मुसलमानों में भी ये प्रोटेस्टेंट का ग्रुप, ये अब नाम कोई भी दो, ये प्रोटेस्टेंट है। जो कानून है परवरदिगार आलम के खिलाफ निकले, अल्लाह के खिलाफ, एक मरतबा हुकूमत के खिलाफ, वजीर आजम के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ आप प्रोटेस्ट करते हो, क्यों, क्योंकि आपको उसकी पॉलिसियां अच्छी नहीं लगती। लेकिन अल्लाह के खिलाफ बंदा प्रोटेस्ट करे, और उन्होंने किया, क्रिश्चियंस ने नाम भी रखा प्रोटेस्टेंट, जो कैथोलिक के खिलाफ, पादरियों के खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया। आज पूरी सोसाइटी दीन गुरीज है, दीन से दूर है। इसी तरह आपके अंदर, आपकी नस्लों के अंदर
احترام، مسلمانوں کے اندر فرقہ بنایا، امام بارگاہ کا دشمن، علم کا دشمن، تازیے کا دشمن، پرچم حسین کا دشمن، علم کے نیچے گزرو نکاح باطل ہو جائے گا، حسین کے نام کو دیکھو گے یہ ہو جائے گا، مزارات پہ جاؤ گے یہ ہو جائے گا، نبی کی قبر کی طرف سلام کرو گے تو یہ بدعت، اور یہ ایسا فرقہ قرآن کی ان کے بھی کوئی عزت و احترام نہیں ہے، پاؤں پہ رکھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، سوتے ہیں تو پاؤں نبی کی قبر کی طرف کرتے ہیں۔ بے ادبی اور بے احترامی جب معاشرے میں پیدا ہوتی ہے وہ معاشرہ بڑی آسانی سے سیکولر بن جاتا ہے، لبرل بن جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا جتنے ایکسٹریمسٹ حکم ان کے تھے، تکفیری فتوے ان کے تھے، اور فوراً اچانک سے وہ معاشرہ کیا بن رہا ہے، ابھی سیکولر بن رہا ہے۔ یہ مقام تعجب نہیں ہے کہ ایک معاشرہ اتنا ایکسٹریمسٹ، کیونکہ ان سے بڑا کوئی دیندار نہیں ہے، بڑی بڑی داڑیاں، نمازیں، ہاں اللہ کا نام، توحید کا نام، کعبے کا طواف، اور دن بھر اللہ 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 اللہ، اور اسی معاشرے میں سیکولرزم آ گیا ہے اور بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اتنی تیزی سے کہ آپ کی سوچ ہے، کنسرٹ ہو رہے ہیں، گانے ہو رہے ہیں، ہر چیز ہو رہی ہے، سنیما بن رہے ہیں، اب تو سنا مندر بھی بن رہے ہیں، ہر چیز ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے ان کو بے احترام بناؤ۔ جب یہ نبی کا احترام نہیں کریں گے نا، ہم جیسا ہے، مر چکا ہے، علیہ اللہ مردہ ہے، کیا کرو گے اس کی طرف دیکھ کے؟ ادب ختم ہو گیا نا۔ وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ فَهِيَ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اگر شعائر خدا کی عزت اور احترام ہے تو تیرے دل میں خوف خدا ہوگا، پھر تو گناہ نہیں کرے گا۔ ممکن نہیں کوئی عاشق حسین اور گناہ کرے، ممکن نہیں کوئی عاشق علی اور گناہ کی طرف جائے، کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ سلمان گناہ کرے، حبیب گناہ کرے، مالک اشتر گناہ کرے، خمینی گناہ کرے، حسینی گناہ کرے، سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ من تقوی القلوب۔ عباس شاعر کے احترام کی وجہ سے، یہ علم پرستی نہیں ہے، یہ لکڑی پرستی نہیں ہے، یہ عزت ہے، نسبت ہے۔ تو حجر اسود کو چومتا ہے، کیوں چومتا ہے؟ وہ بھی تو پتھر ہے، بندہ خدا، نسبت خدا سے، صحیح صفا و مروہ کرتا ہے، ان پہاڑیوں میں کیا رکھا ہے؟ حاجرہ اللہ کی اطاعت کے لیے گئی تھی، اللہ نے کہا اسے یاد کرو، اس نے میرا نام زندہ رکھا، اس کے نام سے میرا نام زندہ ہوگا۔ حسین نے خدا کا نام زندہ رکھا، تو یہ ایک سازش ہے۔ آج آپ پروٹیسٹ کریں گے، قرآن جلایا گیا سویڈن میں، اس سے پہلے ڈنمارک میں، لیکن عوام سے زیادہ حکمرانوں کا کام ہے مقتدر حلق، کیونکہ ان کے دل میں شاعر کا کوئی احترام ہے ہی نہیں۔ قرآن کا احترام وہی کرے گا نا جو قرآن پہ عمل کرے گا۔ نمازی وہ ہیں نہیں، شرابی وہ پہلے سے ہیں، وعدہ خلاف تو وہ ہیں، جھوٹے تو وہ پہلے سے ہیں، جھوٹے وعدے عوام کو دینا، تو ان کے دل میں تو اس قرآن کا کوئی احترام ہے نہیں، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں پھر عوام کے پریشر کی وجہ سے کرتے ہیں نا۔ ورنہ اگر غیرت ملی ہوتی، ان ملکوں کے سفارت خانے نہ بند کر دیے جاتے تھوڑے ٹائم کے لیے۔ ایک عالم دین سعودی عرب نے اس کا گلا کاٹا تھا، آیت اللہ نمر، چار پانچ سالوں کے لیے ایران ایمبیسی بند کر دی، چار پانچ سالوں۔ نمر ایرانی نہیں تھا، شیعہ تھا۔ موت العالم، موت العالم ہوتا ہے کہ اگر تو ہمارے علماء کا احترام نہیں کرے گا، وہ کسی بھی فرقے کا ہو۔ ہمارے ہاں بعض اداروں کے ذہن میں یہ وہم ہے کہ پتہ نہیں پاکستانی شیعہ کوئی ایران پرستی، یا کوئی ایران پرستی نہیں ہے، ہمارے ہاں علماء کی ایک قدر ہے، پورا عراق آیت اللہ سیستانی کی سنتا ہے۔ سیستانی کون ہے؟ ایرانی۔ یہ ان کے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ بندہ ایرانی ہے کیا ہے، وہ ہمارے احترام مرجع کا ہوتا ہے، وہ کسی بھی قوم کا ہو، وہ کسی بھی مکتب کا ہو، وہ کسی بھی ملک کا ہو، شیعہ مرجع کا احترام کرتا ہے، پورا عراق آیت اللہ سیستانی کی سنتا ہے۔ اس سے پہلے آیت اللہ محسن الحکیم عراقی تھے، پوری دنیا کے شیعہ ان کی اتباع کرتے تھے۔ ہمارے یہاں نسل پرستی تو ہے ہی نہیں۔ دوسرا یہ ذہنوں میں ڈالا جلی اعوذ باللہ، کہ مجھے ایک بات یہ بہت بری لگتی ہے کہ جس طرح انڈیا کے مسلمان بار بار انڈین گورنمنٹ کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، کیونکہ ان کو یہی بولا جاتا ہے کہ تم پاکستانی ہو،
और ये चीज मुझे यहां महसूस होती है कि हमें क्यों बताना पड़ता है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमको कोई वतनी है। हर कौम का एक जीन होता है। आप पूरी दुनिया में जहां जहां शिया रहते हैं उनका जीन चेक कर लो, पूरी दुनिया में शिया जहां भी है वो नेशनलिस्ट है। कहीं भी चले, ईरानी शिया बे इंतहा अपने वतन से मोहब्बत करता है, इराकी शिया बे इंतहा अपने वतन से मोहब्बत करता है, लुबनानी शिया बे इंतहा अपने वतन से मोहब्बत करता है। इराक का सुन्नी इतनी इराक से मोहब्बत नहीं करता, लुबनान का सुन्नी और क्रिश्चियन इतनी लुबनान से मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि जितनी जाने लुबनानियों ने इराक लुबनान के बचाने के लिए दिए किसी और लुबनानी ने नहीं दिए, जितनी जाने शिया इराकियों ने इराक के बचाने के लिए दिए किसी और शिया ने नहीं दी। अजरबैजान का शिया जितनी अजरबैजान से मोहब्बत करता है वहां का कोई और मकतबादा नहीं करता। तो शिया किसी भी मुल्क का हो वो अपने वतन का आशिक होता है। क्योंकि ये दर्स हमें किसने दिया है? इमाम हुसैन ने दिया है। आप एक फिरका एक जगह पे शिया नहीं दिखा सकते जिन्होंने अपने वतन के साथ बगावत की। अब वो चाहे शिया इंडिया का हो, इंडियन शिया भी हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है, क्योंकि ये चीज फर्श अज़ा से मिलती है कि जिस मिट्टी पे रहते हो उस मिट्टी से बगावत न किया करो। अगर मराजे से इश्क है, आवा खामनी से इश्क है, आवा सिस्तानी से इश्क है, ये हमारा एक मकतबी मसला है। मर्जा कहीं का भी हो, इराकियों में क्यों तासुब नहीं सिस्तानी ईरानी हम क्यों सुने? पूरे इराक की पॉलिसी अगर सिस्तानी बनाते, मर्जा है ना, मर्जा की बात मानी जाती है। यही तो कुव्वत, यही तो कुदरत, यही तो हमारे इंसजाम की ताकत है जो अहले बैत ने दिया। नस्ल परस्ती हमारे यहाँ है ही नहीं। इमाम बचपन में भी इमाम बने तो हमारा इमाम है, हमारे यहाँ मयार तखबा, हमारे यहाँ मयार तहजीब, हमारे यहाँ मयार कलाम है मासूमीन है। तो दुश्मन की ये साजिश शुरू से रही कि आपकी नस्लों को, क्योंकि ये पूरा प्लान है कि मुसलमानों को सेकुलर बनाया जाए। अब वो वहाबियत को क्लोज करने का टाइम आ गया, अब एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान के जितने गुरु हैं उनको बंद करने का पैगाम आ दिया है, जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं इनको बंद करो। अब इनके जितने भी फंक्शंस हैं या त्यौहार हैं या रसूमात हैं उनको फेस्टिवल का नाम दो, वो बेदारी खत्म कर दो। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके जुलूस आपकी आजादारियां दुश्मन के लिए कितना खतरा रखती हैं। वल्ला अगर कौमें नजरियाती बन जाए इन जुलूसों से क्या कुछ नहीं हो सकता। 35 ईयर सद्दाम इराक मेरा जुलूस नहीं निकलने देता था, क्यों? अब उसे पता था कि एक सियासी पार्टी जलसा भी करे करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं लोगों को जमा करने के लिए। यह भी अफसोस का मकाम है, आजकल मजालिस भी सियासी जलसों की शक्ल इख्तियार कर गई है। मेरे मौलवी का रश कितना है, तेरे मौलवी का रश कितना है, भाई ये मेयार थोड़ी है, नंबरबाजियां हो रही हैं। कोई पार्टी पैसे खर्च करके भी बड़ी मुश्किल से 2-4 लाख लोग जमा करती है। यहां आशूरा का दिन आता है, हुसैन के नाम पे बच्चे बूढ़े सब बाहर निकल आते हैं। ये किस कौम के पास ये जज्बा है मुझे बताइए? पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में कौन सी कौम है जो अपने इतने लोग बाहर निकाले? ये ट्रेनिंग थी मकतब अहले बैत में ताकि अपने हक के लिए बंदा बाहर निकलने का जज्बा रखे। किसी और को निकालना बड़ा मुश्किल है लेकिन शियों को तो ट्रेनिंग है। लोग 3 दिन का धरना नहीं दे पाते, शियों को क्या है? धरना देंगे, नूहे पढ़ते रहेंगे, मौला का नाम लेते रहेंगे। हमारे तो बच्चे बच्चे को ट्रेनिंग है ना बाहर निकलने की। इस चीज से बड़ा खतरा है। कहते ठीक है जुलूस निकले लेकिन इसको एंगल ना मिले। सद्दाम कहता था अगर ये जुलूस निकले और सबने मेरे खिलाफ आवाज उठाना बुलंद कर दी, वो कहता था यजीद पे लानत करो, मेरा नाम नहीं लेना। ये मत कहना कि मैं आज का यजीद हूं, अब पुराने वाले यजीद से मुझे कोई मसला नहीं, नए यजीद का नाम नहीं लो। हाँ हम भी हुसैन का एहतराम करते हैं, हम भी हुसैन का एहतराम करते हैं कहते हैं, लेकिन नया लीडर हमें ना दिखाना। क्योंकि इतने बड़े मजमे को अगर कोई लीड करने आ गया तो मजमे को कहीं भी ले जा सकता है। फिर कौमों में लीडर नहीं बनने दिए जाते, लीडरों को मार दिया जाता है, छीन लिया जाता है, इख्तलाफात फैलाए जाते हैं, टोलों में फिरकों में बांट दिया जाता है। असल हदफ क्या है? मसला मुसलमानों से नहीं, आप सेकुलर बन जाए उनको कोई इशू नहीं,
مسئلہ دینداری سے ہے، مسئلہ حجاب سے ہے، مسئلہ عفت سے ہے، مسئلہ حیا سے ہے، مسئلہ قال رسول اللہ سے ہے۔ اگر کوئی دینی حکومت بنی تھی، ایک وہابی ذہنیت کا آدمی تھا، اس نے کہا ایران میں بڑا ظلم ہے اہل سنت پہ، تو پاکستانی صاحب کھڑے ہوئے تھے، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جتنا ظلم ایران میں سنیوں پر ہے تم اتنا ہی کرو ہمارے اوپر پاکستان، جتنی آسائشیں ملی ہوئی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بائی روڈ جائیں پاکستان کے بلوچستان سے، اور جیسے چابہار میں آپ ان ہوں گے، چابہار سے ایران شہر چلے جائیں، وہاں سے جتنے بھی اہل سنت کے علاقے ہیں، یعنی ایسے لگتا ہے کہ یہ بھی بلوچ ہے یہ بھی بلوچ ہے، لیکن آپ ان کی زندگیاں دیکھیں، گاڑیاں ہیں، شہر کی ڈیولپمنٹس ہیں، سب کچھ ہے، کیونکہ شیعت میں تعصب ہے ہی نہیں۔ ایران میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ شیعہ مسجد میں کوئی اہل سنت آ کے نماز پڑھے اور وہاں پہ یہ ہو کہ اس کو مسجد سے نکالا جائے، لیکن شیعوں کو خوف آتا ہے کسی اور کی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے کوئی حملہ نہ کر دے، کوئی بدتمیزی نہ کر دے، کوئی احترامی نہ کر دے، کیونکہ مکتب اہل بیت محبت کا مکتب ہے۔ آج تک ہم نے اپنی امام بارگاہوں کے باہر نہیں لگایا کوئی اور نہ آئے، ہم تو کھلم کھلا کیا دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت کی محفل میں آئے گا محبت اہل بیت لے کر باہر جائے گا۔ شیعہ اتنے تھے نہیں، کس طرح بڑھے؟ انہی مجالس امام حسین سے۔ تو مجالس کا ایک مقصد ہے شعائر اللہ کا احترام کرنا اپنی نسلوں کے دلوں میں، اور یہ امام حسین نے اہتمام کیا کہ پورا سال دشمن کبھی قرآن جلاتا ہے، کبھی کارٹون بناتا ہے، کبھی دین کی توہین کرتا ہے، تو اپنے بچوں کو فرش عزاء امام حسین پر لاؤ اور ان کے دلوں میں قرآن کا تقدس، اہل بیت کا تقدس اور شاعر اللہ کا تقدس بھرو، تاکہ یہ قومیں اور نسل دیندار بھی بنے اور دشمن سے لڑنے کے ان کے اندر جذبہ بھی پیدا ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجل فرج ہو، تو جس میں جتنی طاقت ہے توانائی ہے وہ انسان کوشش کرے کہ پروردگار عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی حفاظت کے لیے علم بلند کرے، اور جو دشمن یہ کوشش کر رہے ہیں اپنے گھروں میں سیکولرزم کے اسباب کو نکالیے، یہ گندے ڈرامے، یہ گندی فلمیں۔ دیکھیے ایک تو ہمارے ذمہ داروں نے بھی اس چیز پہ توجہ بہت کم دی، عقل اگر قوموں میں نہ ہو تو قومیں غلطی کرتی ہیں، جذباتی ذہن ہمیشہ غلط فیصلے کرتا ہے۔ پہلے نیا نیا کیمرہ آیا، فتوے آئے کیمرے سے فوٹو نکالنا حرام، ٹی وی آیا کہ گھروں میں ٹی وی رکھنا حرام، وی سی آر آئی کہ وی سی آر خریدنا حرام، اور ایسے جذباتی مومن تھے دکانیں توڑ دی، وی سی آریں توڑ دی بیچارے لوگوں کی، کہ یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے۔ سینما بنا، زیادہ کا زمانہ آیا، سارے سینما گھر اس نے کیا کر دیے، توڑ دیے، کہ یہ شیطان کے گھر ہے۔ کسی نے توجہ نہیں دی کہ بھائی ٹیکنالوجی ختم کرنے سے یا ٹیکنالوجی سے دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب زمانہ گزرتا گیا، اب سب سے بڑے کیمرے بھی مولویوں کے پاس ہیں، بڑی بڑی ٹی ویوں پہ، اسکرینوں پہ، رمضان میں بھی سامنے مولوی بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں فضل الرحمان سے کسی نے کہا مولانا آپ کا فتویٰ تھا فوٹو نکالنا حرام ہے، بڑا چالاک اس نے بھی ایسا جواب دیا کہ ابھی اس میں تھوڑا فکر کرنا پڑے گا زمانے کے حساب سے۔ وہ پھر تبھی تو لوگ کہتے ہیں مولوی اپنے پر آئے تو کوے کو بھی کیا کر دے، حلال کر دے۔ ہیں کہتے ہیں نا کسی شکاری نے شکار کیا تو ایک کبوتر پھنسا، ایک کوا پھنسا، ایک چین یا کوا، تو کوا رونے لگا، کبوتر نے کہا رونا تو مجھے چاہیے، رو تو کیوں رہا ہے، میں حلال بھی ہوں، مجھے تو ذبح کر دے گا، تو حرام ہے، کہ تجھے نہیں پتا جس نے شکار کیا وہ مولوی ہے، تیرے اوپر شاید رحم آ جائے چھوڑ دے، لیکن مولوی مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی روایت نکال کے حلال کر کے مجھے کھا لے گا۔ یہ وہ علماء سو دین کا ستیاناش کیوں ہوا؟ کیونکہ شعور نہیں تھا، آپ کے یہاں اشتہاد تھا، حلالے کے مسئلے ہیں۔ سماوی صاحب
शिया बने या उन्होंने, तुमने इसमें इतने शिया क्यों बना? कहते फिकह की वजह से। फिकह अहले बैत एक जिंदा फिकह है, वो अपने जमाने के हिसाब से आसानियां पैदा करती है, फतवे देती है। वहां पे कुदमा का जहन था कि दूध का कतरा भी पी लिया तो बहन हो गई, भाई हो गया, बड़ी औरत ने भी पी लिया तो वो भी बहन हो गई, भाई हो गया, निकाह टूट जाते थे, तलाक के मसले, तीन तीन तलाक का मसला। आपकी फिका सैयार थी, यानी जिंदा फिका थी। मुर्दा मुश्तहिद को कभी शिया उसकी तकलीद नहीं करता, जिंदा मुश्तहिद जिंदा है, जमाने को देख रहा है, मसाइल को देख रहा है। खुमैनी साहब ने फतवा दिया अपने जमाने में, आज जमाना बदल चुका है, उस हिसाब से फतवा होगा। हम तो अकलियत में थे ना, अक्सरियत, गुना हमारी तरफ नहीं है, अक्सरियत जो आलम इस्लाम पे मुसलमान हाकिम थे, कैमरे के खिलाफ फतवा दिया, सिनेमा के खिलाफ फतवा दिया, टीवी के खिलाफ फतवा दिया, लिहाजा क्या हुआ, इस मैदान में हम सारे पीछे रह गए। न कोई पक्का मुसलमान डायरेक्टर बना, न कोई पक्का मुसलमान राइटर बना, न कोई मुसलमान एक्टर बना। अब कहने लगे हम रसूल खुदा की मूवी बनाते हैं, द मैसेंजर, रसूल खुदा की मूवी। हाँ भाई, हजरत हमजा कौन बनेगा, जनाब उमर कौन बनेगा, जनाब उस्मान कौन बनेगा, एक मूवी बना रहे ना आप। नबी का साहब भी हैं, रसूल भी हैं, हाँ सब लोग हैं, उसमें सब किसी ने कैरेक्टर निभाना है। तो हजरत हमजा का कैरेक्टर एक हॉलीवुड का एक्टर निभा रहा था। फिल्म इस्लाम की बना रहे हैं लेकिन सिपाही दुश्मन के ले रहे हैं, क्योंकि हमने इस इंडस्ट्री में काम ही नहीं किया। आज भी अगर कोई इस्लाम की आप मूवी बनाना चाहो, इस फील्ड में अतकिया मुत्तकीन सुलहा है ही नहीं। हमने तो कहा एक्टिंग हराम है, तो ये एक्टिंग क्यों हराम है? अगर आप एक अच्छे ड्रामे के लिए एक्ट कर रहे हो तो हराम क्यों है? अगर आप अच्छी कहानी, कोई अखलाकी, कोई एथिकल, कोई माशरे को सुधार पैदा करने के लिए, मैंने कहा 5 मिनट के लिए आप एक स्टोरी पढ़ते हो, जहन में सोचते हो ना कि बंदा जा रहा है, बंदा बैठ रहा है, बंदा उड़ रहा है, बंदा गाड़ी में बैठ रहा है, तो सारी प्लानिंग कहाँ करते हो? जहन में करते हो। उसी प्लानिंग को तुमने सिनेमा के पर्दे पे क्या करना है, उतार देना है ना, अच्छे ख्याल, अच्छी स्टोरीज को। तो ये मैदान हमने खाली छोड़ा, और इस वक्त हमारी माएँ बहनें ड्रामों पर, हमारे बच्चे ड्रामों पर, पहले तो 20 किस्तें 40 किस्तें, अब तो इतनी सीरीज निकल गई कि बंदे की शायद उम्र ख़त्म हो जाए, सीरीज ख़त्म ना हो। इतना मटेरियल मीडिया पे पड़ा हुआ है, इतना डेटा दुश्मन ने बना दिया है। हॉरर देखना है, हॉरर डेटा, एंगर देखना है, एक्शन मूवीज, गंदगी देखनी है, गंदगी वाली मूवीज, क्या देखना है आपने? उसने प्लेट में हर शेय रखी आपके जवान के लिए, आपकी नस्लों के लिए। अब सवाल यह है, ये सिनेमा कब बनता है, इंडस्ट्रीज कब बनती है? जब आपके पास हुकूमत हो। आज हुकूमतों की तवज्जो कहीं और है, फिल्म इंडस्ट्री पे नहीं है, ड्रामा इंडस्ट्री पे नहीं है, तो बड़ी आसानी से माशरे में इंतशार फैल रहा है ना, बेहयाई फैल रही है। खुमैनी साहब का नजरिया यह था, जब तक हुकूमत इस्लामी नहीं होती, सिनेमा इस्लामी नहीं होता। जब तक हुकूमत इस्लामी नहीं होती, मीडिया इस्लामी नहीं होता। क्योंकि जब आपके पास हुकूमत होती है, टूल्स होते हैं, अवजार होते हैं, बजट होता है, पूरे मामले को, पूरे माशरे को सुधार सकते हो ना, जब तक चीजें आपके पास नहीं होंगी। लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया है, इंडिविजुअली भी लोग काम कर सकते हैं। अहले सुन्नत इस पर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बरेलवी हजरात बच्चों के लिए कार्टून्स बना रहे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, आप लोग भी कर सकते हो। नौजवान इस फील्ड में जा सकते हैं, कोई डायरेक्टर बने, कोई राइटर बने। अब किसी ने इमाम अली का कोई किस्सा राइट करवाना है, किसी ने अखलाक पर, सब्र पर, यही जो 75 लश्कर इमाम जाफर सादिक बता रहे हैं, एक एक लश्कर पे एक एक सीरीज बन सकती है, किस्सों की सूरत में, 1 घंटा में मजलिस पढ़ूं, वो आसान है। आपका बच्चा 20 मिनट 4 मिनट 7 मिनट डेली एक कार्टून देख के, एक मूवी देख के, एक स्टोरी देख के, उसका जहन में असर ज्यादा होता है। मैं अक्सर नौजवानों को कहता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जिसने कोई एक किताब पढ़ी हो जनाब मुख्तार के बारे में? आप में से कितने लोग हैं जिसने इमाम रजा के बारे में कोई किताब पढ़ी हो? अक्सर लोगों ने जनाब मुख्तार को पहचाना मुख्तारनामे से, सीरीज से देखा ना आपने। जनाब यूसुफ का ड्रामा देख के आपको अंबिया की तारीख का पता चला ना, इमाम रजा की फिल्म देख के आपको इमाम रजा का पता चला ना। तो वो पॉइंट्स जिस पे दुश्मन काम कर रहा था, और ये तोहीन सबसे ज्यादा इसकी इब्तदा मीडिया से हुई। पहले वो दिखाते हैं, दिखाने के बाद आपके जहन में कभी कभी नहीं रहता, एहतराम खत्म हो जाता है। जब बंदा बेहतराम बनता है तो बड़ी आसानी से बेदीन बनता है।
अक्सर हमारे वो लोग जो वेस्टर्न वर्ल्ड में ट्रांसफर हो गए हैं, उनके बच्चे वहां रह रहे हैं, बड़ी आसानी से उनके बच्चे दीन के मुखालिफ बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां दीन का इतना अदब नहीं है, वालदेन का इतना अदब नहीं है, माँ का इतना एहतराम नहीं है। तो ये भी अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में हो, इस सोसाइटी में हो, मजलिस इमाम हुसैन में आए हो और यहाँ हमें अदब का दर्स दिया जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं माजरा चाहता हूँ आज यहाँ, क्योंकि कुरान सोजी का वाकया हुआ था तो उस पर, क्योंकि कोई भी वाकया होता है उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश होती है, साइकोलॉजिकली वो आपके जहनों के साथ खेलते हैं और उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। तो उसके मद्दे मुकाबिल वाकया हमारे यहाँ भी अजमत कुरान, अजमत अहले बैत अलैहिस्सलाम पे बार बार अपने बच्चों को बताया जाए। अभी इब्ने मज़ाहिर 24 घंटे में एक मरतबा पूरा कुरान पढ़ते थे, 24 घंटे। इमाम हुसैन के लिए मशहूर है कि तकरीबन 300 आयतें, कितनी आयतें इमाम हुसैन पढ़ा करते थे। मौला अली के लिए तो मशहूर है, इमाम खुमैनी के लिए मशहूर है, जब भी वक्त मिलता था जेब से कुरान निकालते थे, कुरान पढ़ते थे। अपने बच्चों को कुरान से उन्स दिलाओ, सिर्फ तजवीद की क्लासों में न भेजो, ये भी सिखाओ थोड़ा बहुत तर्जुमा, थोड़ी बहुत तफसीर। आप कराती की तफसीर बहुत बेहतरीन तफसीर है, तफसीर नूर, अवामाना तफसीर है। डेली एक आयत दो आयतें, माँ बेटी बाप आपस में बैठ जाएं, 4-5 लोग, चलो जुमे के दिन एक दिन मुख्तस कर लो कि जुमे के दिन हम कुरान की 5 आयतें पढ़ेंगे, आधा सफ़ा पढ़ेंगे। ये रूटीन जब आपकी ज़िंदगी में बन जाएगी ना, तो ज़िंदगी में नूर भी आएगा, बीमारियाँ भी दूर होंगी, घरों में रहमतें भी नाज़िल होंगी। हमने कुरान रखा है किसके लिए? रमज़ान के लिए। इमाम हुसैन रखा है हमने मुहर्रम के लिए। महीने सजाए हुए ना, और दिसंबर का महीना न्यू ईयर आता है तो नाच गाने का महीना आ जाता है। ऐसे ना करें, हर साल मोमिन का, हर दिन मोमिन का इताअत खुदा में गुजरे, मोहब्बत अहले बैत में गुजरे। क्योंकि रसूल ने कहा इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सकलैन किताब अल्लाह व इत्रती अहले बैती। मैं दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है, दूसरा मोहम्मद और आले मोहम्मद का नूर है। सब पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। बहुत गुजर चुका है, मैं सिर्फ अक्ल की तारीफ आज करूंगा। कल से इंशाल्लाह हम रिवायत पढ़ना शुरू करेंगे और बड़ा दिलचस्प मौजू होगा कि यानी इतना खुल के खुदा ने निशानियां दी हैं कि साहिबान अक्ल कौन है। और आज मैंने खोली थी सूरह नूर, और कल जिसको मुतालिया करना हो तो आप सूरह नूर की 35वीं आयत शुरू करें, 3-4 आयतें हैं इंशाअल्लाह ताला कल पढ़ेंगे। इस सूरह नूर में, क्योंकि अक्ल भी नूर है और कुरान सूरह नूर है, और रसूल फरमाते हैं अव्वल मा खलक अल्लाह हो नूरी, मेरे नूर को खल्क किया। और अहले बैत को शजर भी बोला गया, और अल्लाह ने कहा अल्लाह नूर समावात व अर्ज़, उसके नूर की मिसाल एक मिश्कात, मिश्कात कहते हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम है। और इमाम ने भी जो यानी एक तरफ हदीस मासूम, एक तरफ कुरान की आयत, और उसमें वाकई आपको पता चलेगा दूरी अहले बैत की अक्ल की दूरी है। अहले बैत के मुकाबले में जो भी आया वो जहल है, जिस तरह अल्लाह के मुकाबले में शैतान आया तो शैतान मजहरे जहालत है, अहले बैत के मुकाबले में जो भी आएगा वो मजहरे जहालत है। अक्ल महज, अक्ल कामिल अगर कायनात में कोई है तो मोहम्मद और आले मोहम्मद है। इमाम 75 लश्कर के नाम लेते हैं और फरमाया कुछ लोगों में दो तरह की अक्लें हैं, एक अक्ल मतबू है, एक अक्ल मसमू है। मतबू अक्ल यानी तबीडी, बाय नेचर हर बंदे के पास, लेकिन इसके लेवल्स अलग अलग होते हैं। मतलब अक्ल मतबू पैदा होते हर बंदे की बराबर नहीं होती, जिस तरह मैंने ट्विंस बच्चों की मिसाल दी थी कि एक ही घर में एक ही माँ के पेट से दो बच्चे पैदा हों, एक ही बाप का लुकमा खाएं, कोई सखी होता है कोई कंजूस होता है। बाज़ औक़ात एक बंदा बिलकुवा बिलफेल की मैंने बात की थी, अक्ल मतबू में वो बंदा सच्चा है, उसको दोस्त इतना सिखाते हैं यार फला जगह पे जाना है, 2 मिनट के लिए झूठ बोलना, बड़ी कोशिशें और ट्रेनिंग करके भी जाता है फिर भी उससे झूठ बोला नहीं जाता, क्योंकि तब अन वो बंदा सच्चा है। अब इस सच्चाई की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि बाय नेचर वो सच्चा है ना, उसने सच्चाई को हासिल करने के लिए कोई मेहनत नहीं की।
अब इसने मेहनत करनी है, इसको बाकी मतलब इसके पास एक सिपाही मौजूद है, तभी अतन पैदाइशी इसके पास अकल का एक सिपाही मौजूद है। अब इसने दूसरे सिपाहियों को क्या इकट्ठा करना है, दूसरी जगह पे एक बंदा है जो पैदाइशी मसलन कंजूस है, ये इसके पास जो सिपाही है ये जहालत का सिपाही है, इसने सिपाही को अपने आप से क्या करना है, दूर करना, ये बहुत मुश्किल है। कई औकात आदतन आप कई काम करते हो आपको पता नहीं होता, मसलन किसी नौजवान ने कहा मौलाना मैं पेट के बल सोता हूं, उल्टा सोता हूं। मैंने कहा मना है, मासूमीन मना करते हैं, शैतान ऊंधा सोता था न सोया करो। मैंने कहा आज के बाद आप कोशिश करो ये सिफत निकालने की। वो कहने लगा मौलाना चार दिन से नींद ही नहीं आ रही, उल्टा सोता हूं तो आती है उसे आती नहीं। ये काम मुश्किल है कि जब एक सिफत तुम्हारे अंदर पैदा हो जाती है उस सिफत को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। एक मुकम्मल हदीस है मासूमीन की कि तर्क के गुना, गुना कैसे छोड़ा जाए, हर किसी को पता है गुना बुरा है, अब इस बुराई को छोड़ना कैसे, ये मकाम है, इबरत है, ये मकाम बड़ा मुश्किल है कि बंदा गुना को छोड़े कैसे। बंदे को पता है गाली देना बुरी बात है लेकिन जबान पे कंट्रोल करना ये बड़ा मुश्किल है। बंदे को पता है ज्यादा खाना बुरी बात है लेकिन पेट पे कंट्रोल करना ये मुश्किल है। तो पहले ये देखो तुम्हारे पास कितने अकल के सिपाही हैं। आपका एक बच्चा पैदाइशी शायद शरीफ भी हो, सच्चा भी हो, बाहया भी हो, अब इसने ज्यादा मेहनत नहीं करनी क्योंकि पैदाइशी हया वाला भी है सच्चा भी है। अब इसने इस सिफत को बाकी रखना है, क्यों, क्योंकि तबीअतन जो बंदा अच्छा होता है जब वो गिरता है ना जितना वो नुकसान करता है एक गुनहगार नहीं करता। एक सोसाइटी को पता है ये जवान कभी झूठ बोलता ही नहीं है, मशहूर एक सोसाइटी में ये झूठ नहीं बोलता। अब खुदा ना खास्ता अगर किसी दिन ये झूठ बोलेगा तो ये कितनों को गुमराह करेगा, उस पूरे मोहल्ले को गुमराह करेगा क्योंकि लोग कहते थे ये झूठ नहीं बोलता। आधी लाइन तौरात में बदली गई, आधी लाइन हाफ सेंटेंस तौरात का चेंज किया गया। अब ये सेंटेंस जिसने चेंज किया लोग उसको, कोई आम आदमी तो नहीं होगा बहुत बड़ा आदमी, मतलब यहूदियों का बहुत बड़ा खाखाम होगा, वो अपने मौलवी को खाखाम बोलते हैं, बहुत बड़ा खाखाम, बहुत बड़ा कोई अल्लामा, कोई बहुत बड़ा आयतुल्ला होगा जिसने ये सेंटेंस चेंज किया होगा ना। उसने क्या सेंटेंस चेंज किया कि आखिरी नबी जो आएगा वो किसकी नस्ल से होगा, इस्माइल की जगह पे उसने इसहाक लिख दिया। पूरी उम्मत को, उम्मत मूसा को इस बंदे ने गुमराह कर दिया एक सेंटेंस यानी एक नाम बदलने के बाद, कि अल्लाह ने कहा वो नस्ले जबी से होगा, जबी कौन है, हजरत इस्माइल है। यहूदी क्या कहते हैं जबी कौन है, इसहाक है, कहते इस्माइल के गले पे छुरी नहीं चली थी, इसहाक के गले पे छुरी चली थी, और नस्ल किससे बढ़ेगी, इसहाक से बढ़ेगी। और रसूल खुदा ने जब अपना शजरा बताया कहा मैं इस्माइल से हूं, यही पे इख्तलाफ बना का नहीं हो, इसहाक से होगा इस्माइल से नहीं होगा। और खुदा ने कुरान में हजरत इब्राहिम का वाकया इसलिए नकल किया ताकि यहूदियों की आंखें खोली जाएं, वो इसहाक नहीं था, कौन था, इस्माइल था। आधा सेंटेंस बदलने से लोगों का दीन तबाह बर्बाद हो गया। एक लफ्ज है कहा मन कुंतु मौला हो फाजा अली मौला, मुफ्ती और मौलवी ने मौला का माना बदल दिया, उम्मत को बोला मौला का मतलब है दोस्त। एक सेंटेंस बदलने से पूरी उम्मत अली की विलायत की मुनकर हो गई ना। अब ये कौन बोल रहा है, आम आदमी नहीं, ये जाले हदीस का काम मुझसे और आपसे नहीं करवाया जाएगा, बड़े बड़ों से करवाया जाएगा। अय्यामे फातिमा मेरा खमसा है जिसमें तीन यहूदियों का मैंने जिक्र किया जो मुसलमान बने, अबू हुरैरा, काबुल अहबार, एक और बंदा, ये पहले यहूदी थे बाद में मुसलमान बने। इमाम खुमैनी अबू हुरैरा के हवाले से पहले सुनत इमाम अबू हुरैरा बोलते हैं ना, साहबी रसूल। इमाम खुमैनी सख्त तरीन नकाब थे अबू हुरैरा, जब हुकूमत इस्लामी आई उन्होंने कहा जो मौलवी अबू हुरैरा जैसे हैं ईरान में उनके सरों से अमामे उतारे जाए, क्योंकि हमारा अकीदा है कि हदीसों में रद्दो बदल किया गया है। इसमें एक पूरा बाब है, पूरा एक इख्तलाफी बहस है जाले हदीस के अतबार से, सारे तो कोई मासूम नहीं है। तो एक लफ्ज जो बदले, अब वो कौन बदल रहा है, ये अहमियत होती है।
एक बंदा जो पूरा माशरा कहता है ये सच्चा है, अब सच्चा आदमी जब झूठ बोलता है ना माशरा तबाह हो जाता है। एक रेड़ी वाला झूठ बोले मसला नहीं है, मूसा का सगा कजन है ना कारून, बड़े बड़े आबिद बनी इसराइल के जब झूठ बोलते हैं तो माशरा तबाह होता है। तो अब देखो शैतान छोटे छोटों पे मेहनत नहीं करता, वो तो बड़ों पे मेहनत करता है। उसको पता है मैंने मुफ्ती को गुमराह कर दिया तो पूरी कौम क्या हो जाएगी, गुमराह हो जाएगी। अन्नासु अला दीन मुलूकहिम, लोग अपने हुक्मरानों के दीन पे होते हैं, तभी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आप पे कम मेहनत करेंगी। किस पे मेहनत करेंगी, हुक्मरानों पे। वो गुमराह हो गए और गुमराह हो गए। सेलिब्रिटीज, बड़ा खतरनाक शोबा है सेलिब्रिटीज का, शिया सेलिब्रिटीज, अहले सुन्नत की सेलिब्रिटीज जिनके 5-5 मिलियन, 2-2 मिलियन, 1-1 मिलियन फॉलोवर्स हैं, उनके ऊपर हाथ रखा जाता है, इसे गुमराह करो सारे जवान गुमराह हो जाएंगे। इसके कपड़े, इसका हुलिया, इसका बोलना, इसका कर्ज, इसका तरीका, इसका फैशन, पूरी दुनिया, पूरी कौम जो उसके फॉलोवर हैं उसके पीछे। तो ये फॉलोइंग बड़ी खतरनाक है कि बंदा शोहरत की टॉप पर हो और वहां से गिरे, क्योंकि वो पूरी कौम को गिरा देता है। कहते ना जब मौलवी फिसलता है तो पूरी कौम फिसल जाती है। तो असल जिम्मेदारी, तभी खुदा ने उलमाए सू की मजम्मत की है, फरमाया पहचानो साहिबान अक्ल को, अगर अक्ल अव्वल कोई है तो मुस्तफ़ा है, और रसूल के बाद इस दुनिया में अगर कोई साहिब अक्ल है, अक्ल कुल जैसे बोला जाए, वो मोहम्मद और आले मोहम्मद है। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। बारे दीगर सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। बारे दीगर सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। सलवात पढ़ी बात। आवाज नहीं आ रही। वाजिल फरजम, आवाज नहीं आ रही। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मकसद ये नहीं कि ये हमारे लिए भी कोई हुज्जत है, नहीं, हर आलिम का एक अपना तरीका, एक अपना तरीक होता था। हवा मुकद्दस हद्दबेरी कभी भी एक रात भी करबला रुके नहीं। जब भी ज्यारते इमाम हुसैन के लिए जाते थे, जितनी देर रहते थे इमाम हुसैन के हरम में इबादत करते थे, जब बिल्कुल थक के निढाल हो जाते थे फिर नजफ की तरफ रवाना। तो किसी ने आवा मुकद्दस हद्दबेरी से पूछा कि आप रुकते क्यों नहीं। हमारे कई ऐसे उलमा थे जो इमाम के हरम में जाते थे, दुआ करते थे कि मौला वो दुख, वो तकलीफ जो आपने महसूस की हमें भी थोड़ा महसूस कराइए। आगा शुस्तरी, सैयद महलूम, जिन्होंने वाकई करबला के वाकयात को अपनी आंखों से देखा,
मुकद्दस अर्दबेली कहते हैं, उस दिन मैंने जब पहले जाता था तो मैंने पहली बार इमाम हुसैन को ये बोला कि मौला मैं भी आपकी उस तकलीफ़ को महसूस करना चाहता हूँ। तो फरमाते को मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात थी करबला में, जब मैं उस रात को सोया तो मैंने अपने कानों से बीवी ज़ैनब के रोने की आवाज़ सुनी। कहते वो दर्द था सैयदा ज़ैनब के रोने में कि अगर खुदा का हौसला ना होता तो शायद मुकद्दस अर्दबेली का कलेजा फट जाता। कहते उस दिन के बाद मैं करबला में कभी रुका नहीं। दो तीन जवान, एक आईएसओ का जवान था, कह रहे थे मौलाना जब कैंप लगता था शुरू शुरू में बड़े तब्दीली कैंप होते थे, कहने दुआ कुमैल चल रही थी, दुआ कुमैल के बाद मौलाना जैसे मैं सो गया, बहुत रोया इमाम हुसैन के मसाइल पर, मैंने ख्वाब के आलम में देखा कि मेरा बदन गोया सरजमीन करबला पे पड़ा हुआ है और गोया मैं शहदाए करबला में से हूँ। अब कहते बदन पड़ा हुआ था लेकिन उठने की ताकत नहीं थी, आंखों से देख रहा था कि ज़ालिम इमाम हुसैन के दिल नहीं कर रहे थे। कहते वो कैफियत मेरी ख्वाब में होगी। इसके दोस्त कहते हैं 10 लोग इसको पकड़ने वाले थे लेकिन इसके बदन में इतनी ताकत और जुम्बिश आ गई थी कि देखो ये मेरा दिल पड़ जाता। अब कह रहे जब घोड़े दौड़े ना तो मैंने महसूस किया कि घोड़े मेरे बदन से दौड़ गए, इवन उनकी टांपें जब मेरे सीने पे पड़ी मैंने वो तकलीफ भी महसूस की। फिर मैं सोच रहा था कि जब इमाम हुसैन के बदन से दौड़ रहे थे इमाम हुसैन में क्या गुजर थी, तो उस लई ने कहा ना कि इब्ने साहब जब मैंने हुसैन के बदन पे घोड़े दौड़ाए, क्योंकि अरबों के यहाँ दो घोड़े होते थे, एक जंग के लिए एक लाशों को पामाल करने के लिए, जब लाशों को पामाल करना चाह तो वो घोड़े लाए गए, वजनी घोड़े होते थे, पांवों में सुम लगाए जाते थे। तो फख्र से कहने लगा इब्ने साहब जब मैंने घोड़े दौड़ाए तो मैंने कानों से हुसैन की पसलियों पर टंकी लगाई। बीबी ज़ैनब से पूछा गया ना, बीबी 11 मुहर्रम को आपने खुद को ऊंट से क्यों गिराया? फरमाती है मैं देख रही थी कि सज्जाद अपने बाबा को देख रहा है। फरमाती है थोड़ी देर और देखते तो सारे सज्जाद की रूह बर्बाद हो गई, चेहरा दूध की तरह सफेद हो गया। तो मैंने खुद को ऊंट से गिराया ताकि सज्जाद की तवज्जो बाबा के बदन से हटे। इमाम देखे तो रूह परवाज कर जाए। तभी छठे इमाम फरमाते हमने अपने शीयों के सीनों पे 6 पर्दे डाल दिए हैं, अगर ये पर्दे न होते ये मसाइब सुनते और उनके दिल भर जाते। दिनों को कर बना दे आज ये रातें गुजर जाएंगी, एक हफ्ते के बाद आशूरा भी खत्म। जितना रिस्क ले सकते हैं इन 10 दिनों में अहले बैत के बाद अहले बैत के सफर से हम सकते हैं, ऐसे सलाम करें जैसे सैयदा ज़ैनब ने बाबा को किया, ऐसे सलाम करें जैसे जनाब जावेद ने किया। अस्सलाम Allah 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 Allah
घर की चाबियां सुबरा के हवाले करे, मेरी बेटी बीमार है, चार पाई सहन में रख ले, एक बीवी को कहो सुबरा से खुदा माफ़ करे, ये बच्ची सहन में बैठ गए, एक बीवी आती थी चाबियां सुबरा के हवाले करते थे, सीने से लगा के कहते थे खुदा सुबरा। लेकिन जब आप सुबरा कुछ भी न कहते थे, आखिर में भी जाए अपनी बारी आए, सीने से लगाया रोटी का खुदा सुबरा। अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, रानी कहना सुबरा है दोनों बुद्धी के गले में डोले, कहने लगी बुद्धि अम्मा समझ गए मेरा बाबा वापिस नहीं आएगा, बुद्धि अम्मा में यतीम हो गए, मैं समझ गई मेरा अकबर वापिस नहीं आएगा। जैनब को बड़ा प्यारा है, सुबरा इस बात का इलम मेरे अलावा हुसैन के अलावा किसी को नहीं, सुबरा तुझे कैसे पता चला तेरा बाबा नहीं आएगा, तेरा अकबर वापस नहीं आएगा, रोटी का कोई अम्मा मैं बीमार मैंने क्या देखा, आसमान से हमारे से काले अपने सर पे पार करने लगे, मेरे लाल तेरी माँ तुझे अरे कर बना में रोगी यो शाम के बाजार में यो दूध के बाजार में। बीबी जैनब रोते रोते इमाम हुसैन के पास गए, फरमाया मेरी जान हुसैन, अगर सुबरा के न चलने की वजह उसकी बीमारी है, मैं जैनब वादा करती हूँ सुबरा का ख्याल करूंगी, अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, लेकिन अगर कोई और वजह है हुसैन मुझे भी तो बताओ। इमाम ने फरमाया जैनब मेरा भी दिल है सुबरा को लेकर चलो, लेकिन मेरी मजबूरी समझो, मैं जैनब जितने बच्चे चल रहे हैं किसी की शक्ल बाबा अली से मिलती है, किसी की शक्ल हसन से मिलती है, किसी की शक्ल नूर से मेरी सुबरा की शकल मेरी अम्मा जहरा से मिलती है, मैं इमाम हूँ इल्मे गैब से जानता हूँ, मेरे जाने के बाद तेरे हाथों में रस्सियाँ तुझे शराबी के दरबार, अरे मैं कैसे बर्दाश्त करूँ मेरी अम्मा की सभी मादारों में भराई दे। मेरी अम्मा की सभी दरबारों में भराई दे। मौला हुसैन यशिया पे कुर्बान, आपकी गैरत पे कुर्बान, आपने बर्दाश्त न किया अम्मा की शबे बिक्री आ जाए, अल्लाह
लजान हसन लेकर के तू मेरे असली मजाए क्यों नहीं बोलते मौला के असली मजाए कहा रोके देने लगे मदीने की एक गली थे उस गली में जलता हुआ दरवाजे मैं छोटा था पर यादें कर रहा था कोई आए मेरी अम्मा के बचाए तुझे जहरा की गुर्बत का वास्ता तुझे हुसैन की गैरत का वास्ता हमारे मौलावरा का इमाम जमाना का जहूर फरमाओ अरे खुदा कब्रो कयामत में शफाअत हुसैन नसीब फरमाओ परवरदिगारा जो मांगा नहीं मांगा अपने फजाने कुदरत से हम सबको नसीब फरमाओ इन गुनहगार आंखों को इमाम जमाना की ज्यारत नसीब फरमा हम सबको आकिबत बखैरी नसीब फरमा रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ दुआ।